भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 30 मई के कार्यक्रमों की रचना कर रही है। मोदी 2 30 मई को एक साल पूरे हो रहे हैं और ये साल उपलब्धियों भरा इस सरकार के लिए रहा। बहुत सारे वर्षानुवर्ष से रुके हुए मामले उनका समाधान हुआ। 3 तलाक के माध्यम से करोड़ों करोड़ों बहनों को उनका अधिकार दिलाने का काम इसी साल के अंदर हुआ। भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि 2 निशान 2 विधान एक देश में नहीं चलेंगे, उसको लेकर के 370 धारा को हटाना और 35A को हटाना और लद्दाख को अलग से और स्टेटस देते हुए राज्य बनाना, ये इस साल का एक बहुत बड़ा विषय है। भारतवासी जो पाकिस्तान में रह गए, जो बांग्लादेश में रह गए, परंतु वहां की आतताई सरकार से दुखी आकर के जो अपने देश में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए और कानून बना करके ऐसे बंधु भगिनी को बहुत बड़ी राहत इस साल में दी गई। कोरोना नाम की महामारी भी इसी साल के अंदर आई, जिसने पूरी दुनिया को लपेटा, भारत के अंदर भी उसने बहुत बड़ी मात्रा में प्रभाव किया। परंतु श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने अपनी कार्य दक्षता के आधार के ऊपर पूरे देश के अंदर कोविड-19 से लड़ाई लड़ी। आज बहुत सारे बंधु भगिनी अपने प्राण वो खो चुके हैं, परंतु अगर दुनिया की तुलना के अंदर हम नजर दौड़ाएं तो हमें महसूस होगा कि भारत का नियंत्रण बाकियों की तुलना में बहुत बेहतर है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर के गरीब की, मजदूर की, किसान की, छोटा कामगार उसकी, और छोटा व्यापारी वर्ग, छोटी इंडस्ट्रीज, उनको राहत देने के लिए और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक सोच लेकर के जो मोदी जी निकले हैं, वो भी इसी साल के अंदर की और उपलब्धि है और बहुत बड़ी देन है। मोदी जी ने आह्वान किया, जो भारत में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका हम अनुसरण करें, उनका हम उपयोग करें और आने वाले दिनों में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाए। इन विषयों को लेकर के देश भर में कार्यक्रम होंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी वर्चुअल रैली, अर्थात भीड़ इकट्ठा ना करके डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ते हुए और एक साल का वर्णन उसको करना है। इसी प्रकार माननीय मोदी जी का पत्र वो घर घर तक पहुंचाना, ये एक बड़ा संदेश। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से और समाज में विषय नीचे तक पेनिट्रेट करे, कौन कौन सी योजनाएं और जनहित की हैं, इन मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्य योजना बनाई है, जिसके अनुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 30 तारीख को और लाइव वीडियो यानी फेसबुक लाइव उसके माध्यम से संदेश देंगे। हम पूरे हिमाचल वासियों से आग्रह करते हैं कि हमारे अपने जगत प्रकाश नड्डा जी को उस दिन सुने। 31 तारीख को मन की बात है और उसके बाद हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिस का दौर जारी रहेगा।